कि नहीं मुख्यमंत्री आने से हम लोग को कोई भी विकास नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं ऐसे मंत्री आते हैं क्यों है? अगर इस तरह से कुछ विकास नहीं करेंगे तो हम इनको हटा कर हम दूसरा को भी चयन करेंगे, दूसरा नहीं काम करेंगे तीसरा भी चयन करेंगे। ऐसे मंत्री की हम लोग को जरूरत ही नहीं, जो हम लोग को जरूरत नहीं पूरा करते हैं। अभी देख सकते हैं काफी भीड़ है, आप लोग को देखने को मिल रहा होगा टाइगर जयराम महतो की सभा में, जो कि गिरिडीह के वी मैदान के सामने होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद है, ये इनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जोहार दादा आपको। जोहार जोहार। आप यहाँ आए हैं, बगल में हेमंत सोरेन का सभा होने वाला, आप वहाँ नहीं गए टाइगर जयराम महतो सभा में? गरीब आदमी है इसलिए खड़ा हुआ है यहाँ पे, हम लोग सब मौजूद कर इसको अपने सब कुछ काम कर रहे हैं इसके लिए। वो कुछ कर नहीं दिया आज तक, कुछ दिया नहीं इसलिए नहीं, कुछ नहीं कर दिया। तो क्या आप लोगों क्या मांगता जो दिया नहीं? 32 का खतियान चाहे 40 नहीं चलेगा, 32 का खतियान नहीं दिए, नहीं लागू किया इसीलिए नहीं लागू किया। देख सकते हैं 1932 का खतियान नहीं लागू होने के कारण जो है ग्रामीण आज टागर जयराम महतो की सभा में मौजूद है। लागू कर दे तो अच्छा है, लागू कर दे तो अच्छा है। आप सभा में नहीं गए, आप तो जोहार सबको एक बार सभा में नहीं गए? हाँ इसलिए नहीं गए कि हमारा झारखंडी नेता है, प्लस पॉइंट ये है कि हमारे देश के लिए कुछ करना चाहता है। और JMM जो है, JMM हमारे लिए कुछ आज तक किया भी नहीं और हमारा धर्म के लिए वो सही नहीं है। और ये जो है जयराम महतो जो है हमारा 1932 के खतियान को लेकर के और हमारा देश को लेकर के, हमारा समाज को लेकर के, हम लोग को साथ में लेने के साथ में लेके चलने के लिए हम लोग के साथ बात करता है, प्लस हम लोग के साथ में बैठता उठता भी है, साथ में सारा हर तरह का काम करता है। इसके लिए हम लोग उसको न जाने के, उसको छोड़ देने से पहले इनके यहाँ हम लोग पहुँचते हैं। उसका नाम लेते ही हम लोग को मन में आकर्षण मन आकर्षित पैदा हो जाता है। अच्छा ऐसा नहीं है कि आप लोग को पैसा देके यहाँ बुलाया गया है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा गांव का शहर का अपना देहात का आदमी है, हर तरह का अपना जानता है, हम लोग हर तरह से बात करते हैं, इसलिए हमको इससे खुशी होता है। प्लस जोहार नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है डुमरी में जो कि हेमंत सोरेन का सभा होने वाली है, जो कि दूर दूर से गांव की महिलाएं आई हुई है। आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि कोई पैसा दे के बुलाया गया है या फिर अपने स्वेच्छा से आए हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों से कि कहां से आए हैं। देखिए काफ़ी बस फूल आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, इस बस में चारों तरफ दिखाइए कि बस में सिर्फ महिलाएँ नज़र आ रही है और काफ़ी बस जो है फूल है। तो सबसे पहले तो जोहार आपको प्रणाम। देखिए आप आए हैं जी हेमंत सोरेन के सरकार सभा को देखने के लिए, कोई पैसा दे के बुलाया नहीं ना? जी नहीं, हम लोग को पैसा दे करके नहीं बुलाया गया है। हम लोग अपना JSLPS के माध्यम से आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, आज तक मुख्यमंत्री का आने से धरातल पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए आए कि देखते हैं कि उनका किस तरह से हम दीदियों के पास, गरीबों के पास या जनता के पास अपने पारदर्शिता देते हैं, किस प्रकार से वो हम लोग को सहयोग के बारे में जानकारी देते हैं, वो चीज़ हम लोग जानने समझने के लिए आए हैं, ना किसी का दबाव में आए, ना हम लोग को कोई पैसा दे करके बुलाया है। हम लोग अपने संस्था JSLPS के माध्यम से आए हुए हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बिरनी ब्लॉक से आए हैं, गिरिडीह जिला से। सीएम से क्या आप लोग से सीएम से क्या बात कीजिएगा, क्या मांग कीजिएगा? आप लोग का कुछ मांग होगा तो क्या मांग कीजिएगा सीएम से? सीएम से मांगने के लिए बहुत ऐसे एजेंडा है जो कि हम लोग के अंदर बहुत सारे एजेंडा है जो कि सीएम से मांग सकते हैं। जैसे बहुत सारे हमारी दीदी है, हमारे भैया हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, वो घर में बैठे हुए हैं, जिसके पास सब कुछ है उनको रोजगार दे रहे हैं, जो लेने लायक है उसको नहीं दे रहे हैं। जल सैया हमारी है, इतना दिन से काम कर रही है, उनको एक रुपया वेतन नहीं दे रहे हैं। तो ये सब सरकार इनको इसलिए नहीं लाए ताकि वो अपने आप को खाली आपके अंदर जो उनके जो क्या है कि जो गरीब है उनको नहीं देखते हुए जो अमीर है उनको देखते हैं। जिसको उसको देखना चाहिए उसको नहीं देखते, जिस प्रकार से काम देते हैं कि इस तरह से धरातल पे ये काम होना चाहिए जलसैया के माध्यम से या किसी के माध्यम से, उस प्रकार वो किसी को उस तरह से देख नहीं पा रहे हैं। तो हम देख नहीं पा रहे, आप लोग फिर भी आए हुए हैं यहाँ पे इनका सभा देखने? हम लोग सभा देखने के लिए इसलिए आए हैं किसी, क्योंकि उनका हम लोग क्या विचार है वो सुनने के लिए आए। हम लोग देखते हैं कि न्यूज में देखते हैं या पेपर में देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी के आवास में ये हुआ ऐसे आंदोलन चलाएं। आज हम लोग सामने से आदान प्रदान देखेंगे कि वो हम लोग को क्या राय देते हैं, उनका क्या बात है, हम लोग सुनने के लिए आए। 4 साल हो गया लगभग मुख्यमंत्री का, अभी तक आपके शहर में कुछ काम किए, कुछ विकास किए हैं कि नहीं? मुख्यमंत्री आने से हम लोग को कोई भी विकास नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं ऐसे मंत्री आते हैं क्यों है?
अगर इस तरह से कुछ विकास नहीं करेंगे तो हम इनको हटा कर हम दूसरा को भी चयन करेंगे, दूसरा नहीं काम करेंगे तीसरा भी चयन करेंगे। ऐसे मंत्री की हम लोग को जरूरत ही नहीं, हम लोग को जरूरत नहीं पूरा करते हैं। अभी पता है आपको नया पार्टी बनाया JBKSS, जयराम महतो, जयराम महतो का नाम सुने हैं? सुने हैं। वो भी इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे 2024 में, तो आप जयराम महतो को वोट दीजिएगा कि सीएम को हेमंत सोरेन को? देखिए मैं अभी तो ये नहीं बता सकती हूँ, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो वोट उन्हीं को जाएगा। देखिए वोट लेने के समय में हर आदमी बोलते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, हम गरीब को साथ देंगे, जब वोट मिल जाता है और जीत जाते हैं तब वो सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं उनका काम तो ठीक है ना, जयराम महतो तो काम जगह जगह पे कर ही रहे हैं, इलेक्ट्रो स्टील पे 15 लाख दिलाए एक लड़का का ही हो गया था तो। लेकिन सीएम क्या, सीएम को क्या बात सुनने आए हैं आप लोग? देखिए अब हम लोग को लेट हो रहा है सुनने के, हम आप लोग को बोले ना, हम सभी से बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ सुनने और समझने के लिए आए हो, क्या राय देते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।